दोस्तों ये जो कहानी है ये है बैटल ऑफ श्रायगढ़। हाँ तो यहाँ पे एक मिसाइल है T-20। तो ये है इंडियन एयरफोर्स की एक फ्लाइट है। ये अभी आप लोग को दिखाते हैं ये वाला टैंकर को। सुबह दोस्तों कैसे हो आप लोग, उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं गुवाहाटी में और आया था गुवाहाटी म्यूजियम में, जो कि आसाम स्टेट म्यूजियम है, लेकिन बैटला कहाँ से बंद। लेकिन सामने है इस तरफ है दिघोली पुखरी, जो गुवाहाटी का अट्रैक्शन है। तो सोच रहा हूँ कि वो वाला आप लोग एक बार देखा दो। तो मैं जा रहा हूँ फिर गेट के सामने। इसके अलावा इसके बारे में मुझे एकदम जो नॉलेज है ज़ीरो है, ये घर का मुर्गी डाल बराबर वही। तो अपना सिटी है लेकिन मैं घुमा नहीं हूँ। तो चलिए आगे जाके देखता हूँ क्या क्या है, आप लोगों को तो बताता हूँ देख कर। लीजिए यही है गेट, यहाँ पे एंट्री फीस कितना है, 10 रुपये है एडल्ट के लिए। तो ये है गेट और इस तरफ है मेन रोड। तो चलिए फिलहाल एंट्री लेता हूँ 10 रुपये देकर। देखिए आई लव गुवाहाटी, सामने घुसते ही आप लोगों को मिल जाएगा सामने एक मूर्ति डॉक्टर भूपेन हजूरिया, जो कि असम का एक बहुत ही बड़ा सिंगर है नॉर्थ ईस्ट का, हर कोई इनका दीवाना है। देख लीजिए मैं तो भाई बहुत अच्छे से घूम रहा हूँ यहाँ पे, मतलब सिटी के बीच में अगर ऐसा पार्क करते हैं तो बहुत ही मस्त है, एकदम मज़ा आता है। देख लीजिए जो सिचुएशन है, जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। और बीच में है एक लेक, देखिए कितना बड़ा लेक है और बहुत अच्छे से सिस्टम के है बोटिंग का सिस्टम। और इस तरफ है मेन गेट, इस तरफ है उन लोगों को बहुत कुछ मतलब देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे तक आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है देखने के लिए। तो एकदम तो भाई बहुत ही मस्त है भाई, चलिए आगे बताऊँ। दोस्तों मैं अभी ऐसे चल रहा हूँ तो बीच में आ गया, यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़र आता है। यहाँ का जो एटमोसफियर है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी ठंडा टाइप का है। सिटी है, सिटी के अंदर आकर ऐसा शांति का जगह रहते हैं तो बहुत ही मस्त होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए और भी आगे तक चलते हो, पूरा लास्ट में जाऊँगा, लास्ट में जाकर आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे होता है। तो मैं क्या सोच रहा था, मैं होता जा सकता हूँ, लेकिन क्या ही यहाँ से ख़त्म होता है, मतलब उस गेट से इस गेट तक इतनी जगह है, जो जितना मेरा उंगली आप लोग देखा दे रहे हो इतना ही है। इसके बाद आप लोग नहीं जा सकते हो, वहाँ पे वहाँ के लिए दूसरा गेट है, तो दूसरा गेट पकड़ के जाना पड़ेगा। दोस्तों मैं भी जा रहा हूँ लास्ट में, क्योंकि यहाँ से नहीं जा सकते हो, डायरेक्ट रोड नहीं है, कुछ अलग से है। दोस्तों मैं अभी आ गया वॉर मेमोरियल्स, मतलब जो स्मारक है, तो गुवाहाटी में है। तो चलिए अंदर जाकर देखता हूँ, क्योंकि उस तरफ से दिखाई दे रहा था दिघोली पुखरी से। तो चलिए थोड़ा अंदर जाता हूँ। ये है गेट, यहाँ के लिए कोई टिकट विकट की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर डोनेशन बॉक्स है, जो आपका डील चाहिए वो कर लो, लेकिन यहाँ पर भाई बहुत कुछ चीज़ें है। तो चलिए ऐसा आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर एक टैंकर है, आइए आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर क्या लिखे रहे वॉर मेमोरियल्स, मतलब ये एक मंदिर के बराबर है और सामने है एक टैंक, विजय टैंक। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख सकते हो क्या क्या है इसके बारे में। तो उतना टाइम नहीं है, मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हो। भाई अभी आप लोग को दिखाते हैं ये वाला टैंकर को, मतलब ओरिजिनल है क्या, चेक करना चाहिए था ओरिजिनल है कि नहीं, लगता तो ये ओरिजिनल ही है। देखिए कितना मजबूत है, हाँ भाई ओरिजिनल जैसे ही लग रहा है, लेकिन लाइट भी तो उसमें तो काला काले काले पड़ गया भाई। ये कि इंडियन आर्मी का थे, हाँ ये तो इंडियन आर्मी का उस टाइम का है। तो यहाँ पे एक मिसाइल है T-20। मतलब ओरिजिनल जैसे ही नज़र आता है, लेकिन ओरिजिनल नहीं है ये, सिर्फ सजा कर रखा है। तो ये जो मूर्ति है ये है विष्णुराम मेधी, जो कि आसाम की आयरन मैन कहता है इनसे,
इनको मतलब आसाम के आयरन मैन कहते हैं। तो इसका उनका जो मूर्ति है यहाँ पे एक लगा के रखा है। तो यहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत है, देख लीजिए आप लोग एक बार, बहुत ही मस्त है। तो चलिए अभी और आगे जाता हूँ, और भी एक चीज़ें है तो सामने आप लोगों को दिखाई देगा। तो चलिए एकदम सामने जाकर दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यह इंडियन एयरफोर्स की एक फ्लाइट है, तो देख लीजिए इंडियन एयरफोर्स नंबर जो है 522 है। तो ये आर्टिफिशियल है, जैसा लग रहा है कि ये ओरिजिनल है लेकिन पूरा आर्टिफिशियल है, देख लीजिए मतलब काफ़ी मजबूत है। यहाँ पे एक नंबर भी है, फ्लाइट को एकदम सामने से देख, पीछे से देखते हो, सामने से देखते हो कैसे होता है। तो देख लीजिए काफ़ी मस्त है भाई, एकदम ओरिजिनल जैसा, मतलब डाउट होता है कि हाँ भाई क्या ये पूरा ओरिजिनल है क्या, लेकिन ओरिजिनल नहीं है। देख लीजिए जैसे जैसे कोई वायर वायर लगा के रखा है ना, पूरा डाउट होता है हाँ भाई ये ओरिजिनल है। तो जब मैंने पहले टाइम इसको देखा था मुझे तो पूरा डाउट हो गया था कि ये वाकई ओरिजिनल है। तो इस तरह से देखा था क्योंकि यहाँ पे जितना वायर वायर है पूरा वायर लगा के रखा है, जैसे कि फ्लाइट में होता है, मतलब टायर भी देख लीजिए पूरा ओरिजिनल जैसा है, काफ़ी एकदम ये काफ़ी अच्छा बना है, देख लीजिए एकदम मज़ा आ गया भाई। तो बहुत ही मस्त एरिया है, गुवाहाटी में एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है। जो फ्लाइट है इसके बारे में पूरा यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए MIG 27 ML बहादुर, देख लीजिए पूरा इसके बारे में लिखा है। तो मिसाइल भी है RZ-13 SAM मिसाइल, वो भी है सेम मिसाइल है दोनों। तो चलिए अभी नीचे जाता हूँ, और नीचे भी बहुत कुछ है, मतलब एकदम मज़ा आ गया भाई। चलिए अभी नीचे जाता हूँ। दोस्तों ये जो तस्वीरें है मुंबई कोटा घर, मतलब ये एक ऐसा कहानी है जो कि वैसा हिस्ट्री में आप लोग ऐसा कहानी आप लोग को नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये लासित बोरफुकन इन्होंने अपने मामाजी को पूरा गला काट दिया था, क्योंकि जो दुश्मन थे दुश्मन को रोकने के लिए एक रास्ता बनने में बोल रहा था, क्योंकि ताकि वहाँ से जो कि हमला हो जाएगा उसको रोक सके, लेकिन पूरा रात एक ही रात था, रात में बनाने के लिए बोला था, उन्होंने काय पे गया था। तो जब आके देखा तो मतलब कुछ नहीं हुआ, रास्ता थोड़ा भी नहीं बनाए, तो जाके उनके मामाजी को गुस्से में पूरा गर्दन काट दिया था। तो 2.5 घंटा में पूरा रोड बन गया था। तो बहुत ही एकदम ख़तरनाक कहानी है, मतलब वीरों का वीर थे लसित बोरफुकन। तो यहाँ पे भी कुछ उस तरफ की कहानी है, द बैटल ऑफ समधरा, मतलब असम का जो जितना वीर है उनको यहाँ पे उपस्थापन किया है, मतलब प्रेजेंटेशन किया है, बैटल ऑफ इटाखुली, देख लीजिए मतलब ये तो दीवार का, लेकिन पूरा कहानी बताते हैं यहाँ पे महाराजा नरनारायण एंड शिला राय, महाराजा नरनारायण एंड शिला राय, ये है महाराजा नरनारायण और ये है शिला राय, जो कि कोस राज की उस टाइम में सेनापति थे, मतलब बहुत अच्छे से वीर थे ये लोग। ये है सीनियर इंडिया वॉर, उस कहानी यहाँ पे है, मतलब बहुत सारा कहानी है, जैसे कि डिजिटल ऊपर आप लोग फ्लैग देख रहे हैं, इंडो पाकिस्तान और 1965। ये जो आर्ट है ये कारगिल और जुलाई 1999 मेरा जन्म हुआ था उस साल। यहाँ से पूरा नज़ारा है वो ऐसा ही एक बार देख लीजिए, ये दिगोली पोखरी। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया हो, मतलब टूरिस्ट के लिए इतना सुविधा किया है, जितना कुछ लिखा है ना पूरा का पूरा इंग्लिश में है, मतलब हर कोई आगे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। यह काफ़ी अच्छा चीज़ है जो मुझे नज़र आया। तो आप लोग जब भी गुवाहाटी आते हो एक बार ट्राई कर लो यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि जगह तो है काफ़ी शांति की जगह है। आप लोग दिगोली पोखरी जो है वहाँ पर घुसने के लिए 10 रुपये चाहिए, और यहाँ पे घुसने के लिए कोई पैसे का ज़रूरत नहीं है, एक डोनेशन बॉक्स है, जितना अपना मर्जी, आपके खुद के ऊपर वो निर्भर है, मतलब आप कितना करोगे कितना नहीं करोगे उसके ऊपर है। तो एकदम काफ़ी अच्छा जगह है,
यार मैंने तो पहली बार आ गया, मतलब मुझे तो एकदम बहुत ऐसे लग रहे, बहुत मतलब फ़ख्र महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि हमारा इंडियन लोग मतलब बहुत इतना कहानी है। आप जहाँ पर एक बार पढ़ोगे ना एकदम अपने आप में एक गर्व हो जाएगा। तो सामने एक भी एक है, चलिए वो भी आप लोग को दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो कहानी है ये है बैटल ऑफ श्रायगढ़। हाँ, बीच में जो है तलवार लेके है वो है हमारा असम की वीरों का वीर लचित बरफुकन, जो कि मुगल को हराया था युद्धों में, मतलब इतना बड़ा वीर था। तो दोस्तों मैं अभी ऐसे निकलता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तो भाई ये जगह जो है काफ़ी अच्छा लगा। मुझे पता नहीं मैं कितना आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ, और जो एरिया है भाई एकदम काफ़ी मस्त है, एकदम देखने वाला जगह है। तो अगर अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कमेंट कीजिएगा, और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं आप लोगों से एक दूसरा वीडियो पर। तो सो थैंक यू सो मच।